हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है करेले की ऐसी मज़ेदार सब्जी जो कि बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी पसंद आएगी। तो ये मज़ेदार सब्जी की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम करेला लिया है। इसको मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। इसमें मैं अभी एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं और चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दो प्याज लिया है, डेढ़ प्याज पीस लिया है, आधे प्याज को चॉप कर लिया है, दो टमाटर लिए हैं उसका भी पेस्ट बना लिया है, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा धनिया पत्ता लिया है मैंने यहाँ पे, और तड़के के लिए जीरा, गोटा गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसको थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मसाला रेडी है। आधी छोटी चम्मच किचन किंग, थोड़ा सा गरम मसाला। अभी हम करेले को तलने के लिए यहाँ पे एक और बैटर बना लेते हैं, जिसमें मैंने दो चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच बेसन, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है। इसमें थोड़ा पानी डालकर धीरे धीरे स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर रेडी हो गया है। अब हम करेले को जो हमने रखा था उसको धोकर क्लीन कर लेंगे। करेला में पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे तरीके से करेला को मैंने धो लिया है। अब हम इसको बैटर में मिक्स करेंगे चावल वाले, और तेल गरम करके उसमें इसको धीरे धीरे फ्राई कर देंगे। आंच हमेशा हाई मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और हम इसको बिल्कुल क्रिस्पी रेड होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने करेले को नहीं छिला है क्योंकि हमें करेला पसंद है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल करेला पसंद नहीं है तो आप करेले को छिल भी सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल लाल और क्रिस्पी हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया है ऑयल से। बाकी का जो करेला है उसको भी इसी प्रोसेस से मैं तलकर रेड करके निकाल लूंगी। अब इसी तेल में हम वो जो हमारा तड़का था वो सारी चीज़ों को, गोटा गरम मसाला, तेज पत्ता को डालेंगे। तड़का भुनने के बाद उसमें हम चॉप किया हुआ जो आधा प्याज था वो डाल लेंगे। अब प्याज जब ब्राउन हो गया तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। प्याज का जो पेस्ट है वो भी हमने डाल लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज को एक मिनट तक भून लिया है। प्याज को अच्छी तरीके से पकाना होगा क्योंकि हमने कच्चा प्याज ही पीस लिया था, तो नहीं तो ये मीठापन आ जाता है। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है, और वो जो मसाला था हमारा धनिया और जीरा पाउडर वाला, वो मसाला भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम मसाले को नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है अभी। अब मैं इसको ढककर अच्छी तरीके से पकने दूंगी। ये देखिए, मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकने दिया था। अब मसाला धीरे धीरे तेल छोड़ रहा है, तो इसमें मैं किचन किंग को ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर तक और पका लूंगी। 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद ये देखिए, मसाला सब एक जगह इकट्ठा हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। तो मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया। गर्म पानी ऐड करने के बाद मैं गर्म पानी को बॉयल होने दूँगी। पानी बॉयल होने के बाद मैं इसमें सारा करेला जो है वो ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें यहाँ पर गर्म मसाला ऐड कर दिया है। जितने भी धनिया पत्ते मैंने चॉप किए थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढककर 3 मिनट के लिए पकने दूँगी। करेला का सब्जी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सब्जी बना है। इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि आप करेला खा रहे हो, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। तो करेला इसी तरीके से खाइए। करेला बहुत हेल्दी होता है, ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। इस तरीके से बनाइए, और अपने सुझाव मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।